इंडिया टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, ज्ञानवापी में सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला आधे घंटे बाद यानी शाम 4 बजे आएगा। कोर्ट ये फैसला करेगा कि सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को कितना वक्त दिया जाए। एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि 2 दिन का वक्त कोर्ट दे सकता है। इस मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से एक और सर्वे की अनुमति मांगी है। मुस्लिम पक्ष ने इस बार अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि वजूखाने का गेट तोड़कर एक और सर्वे कराया जाए, मलबा हटाकर एक और सर्वे कराने की मांग की गई है। व्यास कमरे के पास सर्वे की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने जवाब के लिए इस पर वक्त मांगा है। बता दें आपको, हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता सोहन लाल ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में वो अनुभव साझा किए जिसके साक्षात वो गवाह बने थे। ज्ञानवापी के अंदर बाबा भोलेनाथ किस हाल में विराजमान है, शिवलिंग मिलने के बाद सबकी प्रतिक्रिया क्या थी, आइए आपको सोहन लाल की जुबानी ही ये तमाम चीजें सुनवाते हैं। वजू खाने में जो पानी से लबालब भरा हुआ था, जैसे ही वजू खाने को जो है साफ किया, पानी से निकाला गया और जो गोल घेरे में 25x25 का वर्गाकार का वजू खाना है उसमें से गोल घेरे में बाबा दिखाई दिए और पूरा का पूरा एक पत्थर में जो कि काले कसौटी का पत्थर हुआ करता था वह शिवलिंग उभर आया। देखिए मस्जिद परिसर में जैसे ही गए 12-12 फीट की प्रतिमाएं, मंदिरों की खंड, मंदिरों के शीर्ष स्तंभ जोड़ करके हमारे जो है इस मस्जिदों में जोड़ा गया है। ये साफ घंटियों की कतारें, किसी भी मस्जिद में घंटियों की कतारें नहीं हुआ करती हैं, किसी भी मस्जिद में कमल के पुष्प के चीज नहीं हुआ करते हैं, ये साफ दिखाई देता है। हमारे ध्वंस आदि 8 अगस्त 1670 में औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा उसके जोड़ करके यह मस्जिद बना हुआ है। जैसा मुस्लिम समाज कहते हैं कि यह उनका कहना है कि गुंबद ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, गुंबद का न्यू नहीं कोई है, यह निम्बर हमारे ध्वंस आराध्य स्थल है जो मंदिर और मंदिर है उस पर ढांचा रखा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यह मंदिर मंदिर ही है, ढांचा रखा गया है। मुस्लिम तहखाने में जैसे ही हम लोग गए वहाँ पर संस्कृत के श्लोक लगे हुए शिलापट्ट मिले और हैरत की बात यह होती है कि तत्काल व्हाइट वॉशिंग हुआ था। आज वह कमरा अगर कई 100 वर्षों से बंद है तो तत्काल व्हाइट वॉशिंग नहीं होना है, यानी चूना। और जब अधिवक्ता चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों दीवार से जैसे टच होता था तो उनके कालो कोट में चूना लग जाया करता था। यही प्रशासनिक अधिकारियों ने यह स्पष्ट, उस प्रशासनिक अधिकारी ने यह कहा कि यह एक ही पत्थर का बना हुआ काला पत्थर है। तो स्वप्रेरित जितने हमारे वादी पक्ष के लोग थे सबके सब हर हर महादेव का नारा लगा चुके, यहाँ तक कि जो जांच कमिश्नर है हालांकि नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वह भी हर हर महादेव का, और कुछ लोग नृत्य की मुद्रा में आए, लेकिन यह घटना मात्र 1 सेकंड की थी। कोई कल्पना नहीं थी क्योंकि हमको सारा प्रमाण मिल चुके थे, हम लोग उसी से पूर्णतः संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि पहले दिन हम लोग जब गए विशाल सिंह जी ने ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने कहा कि ये पानी निकालना है तो वो कहे कि पानी नहीं निकालेंगे। आपको बड़ा आश्चर्य, जहां जहां मुस्लिम समाज हठ करता है हम लोग को तुरंत शंका हो जाती है कि दाल बिल्कुल काला है और हम लोग पानी निकलवा के रहेंगे और पानी निकला, बाबा मिल गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। देश के स्वाभिमान से जुड़ा स्थान है काशी, प्रहलाद पटेल ने कहा है। कानून 1991 में बना, देश को पता नहीं चला, प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ने वाले मुगल खुद लिखकर गए हैं, हिंदू मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया, शताब्दियों से हम कलंक लेकर बैठे हुए हैं। बड़ा बयान प्रहलाद पटेल दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा। कानून एक बीच में 1991 में आया, ये देश को पता भी चला। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि 27 मंदिर तोड़कर बनाया, और ये एसआई ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा,
जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। मैं संस्कृति मंत्री था तो मैं गया तो मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करके हिंदी और अंग्रेजी में लगा दो। ऐसा ही नहीं लगा दिया। मैं उन आलोचना करने वालों से जो कुतर्क करते हुए पूछना चाहता हूं कि शताब्दियों से हम उस कलंक को अपनी छाती पर रखे हुए हैं, आपने तोड़ा ये तो ठीक है, लेकिन तोड़ने के बाद आप लिखकर लगाकर गए हैं कि हमने मंदिर तोड़कर ये मीनार बनाई है, ये सच्चाई है। फिर लोगों ने हमारी भी आलोचना की, लेकिन वो आलोचना से हम इसलिए दुखी नहीं थे क्योंकि वो सब सच पता चला लोगों को कि यार ये तो खुद ही लिख कर गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो दुस्साहस है वो हिंदुस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश की धरती पर होता तो एक मिनट भी शायद वो टिक नहीं पाता, ऐसा मैं मानता हूं। और अब आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी में वो वजूखाने का वीडियो जिस पर कल से कंट्रोवर्सी मची हुई है, विवाद खड़ा हुआ पड़ा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है। देखिए वो वीडियो। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बाद मुस्लिम पक्ष ने वीडियो वायरल करते हुए दावा किया है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने का जो वीडियो वायरल किया है वो पुराना बताया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुगल काल की मस्जिदों में वजूखाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने की परंपरा रही है, उसी का एक पत्थर सर्वे में मिला है जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। वही हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने के दावे के साथ कई साक्ष्य भी पेश किए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नंदी की मूर्ति है। शिवलिंग नंदी से 84.3 फीट की दूरी पर स्थित है। हिंदू पक्ष का ये भी दावा है कि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होने का तात्पर्य नहीं है कि जो शिवलिंग मिला है वो बिल्कुल सही है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग को सबसे अहम साक्ष्य मानते हुए सुरक्षित करने की याचिका दी थी। इस याचिका के बाद वाराणसी कोर्ट के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर वजू खाने वाली जगह को सील किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।